पंजाब में बीएसपी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ बीएसपी का कैंडिडेट। वो थोड़ा मांस है ते जेड़ा सीमेंट लगया वो थोड़ा खून है। चुनाव से ठीक पहले बदल लिया पाला। बहुजन समाज पार्टी के लिए पंजाब से बुरी खबर आई। पंजाब के होशियारपुर से बीएसपी के कैंडिडेट ने दगा दे दिया है और वोटिंग से पहले ही उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इन तस्वीरों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिखाई दे रहे ये हैं राकेश सोमन। राकेश को बसपा ने पंजाब के होशियारपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन राकेश ने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। होशियारपुर लोकसभा सीट से बसपा ने राकेश सोमन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बुधवार को वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सीएम भगवंत मान ने राकेश सोमन का स्वागत किया। वहीं सोमन ने बसपा छोड़ने के बाद कहा कि वो मान सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आए हैं। सोमन ने कहा, मैं आज आप में शामिल हो रहा हूं। मैं मान सरकार द्वारा गरीबों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का जो काम किया जा रहा है उससे प्रभावित हूं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं और यहां 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। राकेश सोमन ने बसपा का दामन ऐसे समय में छोड़ा जब पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन गनीमत यह है कि अभी नामांकन में समय है, इसलिए वक्त रहते बसपा अपना दूसरा कैंडिडेट यहां से उतार सकती है। होशियारपुर एक आरक्षित सीट है, यहां से केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार उनकी पत्नी अनीता प्रकाश को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यामिनी गोमर को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजकुमार चब्बेवाल को कैंडिडेट बनाया गया है। पंजाब में पहले श्रोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन किया था। दोनों पार्टियों का गठबंधन राज्य में पहले ही टूट चुका है। अब होशियारपुर में पार्टी की तरफ से घोषित किए गए कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। श्रोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। श्रोमणि अकाली दल ने पूर्व मंत्री सोहन सिंह टी को टिकट दिया है। पंजाब में आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन राज्य में चुनाव से पहले ही दल बदल का दौर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परमीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई थी। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीट हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस को 8, अकाली दल और बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी पंजाब में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार के चुनाव में बसपा कैसा प्रदर्शन करती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही राकेश सोमन की ओर से लगे झटके ने बसपा को जरूर परेशानी में डाल दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।